जय हिंद दोस्तों, मैं आपकी नौमिता फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस शो कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ होंगे। आजकल लॉकडाउन के बाद हमारे शहरों के बाज़ार फिर से खुल गए हैं, बाज़ारों में फिर से आवाजाही बढ़ गई है। वर्तमान समय में हम सभी बड़े बड़े बाज़ारों की बड़ी बड़ी दुकानों मॉलों से ख़रीदारी करना पसंद करते हैं, पर दोस्तों अगर हम अपने यादों के भीगे पन्नों को पलटें तो एक ऐसा भी दौर था ना जब गली मोहल्लों में फेरी वालों से सामान खरीदा जाता था। आप सभी ने कभी ना कभी जीवन में फेरी वालों की अलग अलग तरह की आवाज़ें ज़रूर सुनी होंगी। दिल्ली के फेरी वालों की तो बात ही अलग है। ये फेरी वाले अपने सामान को बेचने के लिए अक्सर सुरीली आवाज़ या गाने का सहारा लेकर अपनी आवाज़ को आकर्षक बनाते हैं। अपना खुद का सामान बेचने के लिए जो भी आवाज़ लगाते हैं वह आवाज़ उनकी खुद की बनाई हुई होती है। इस तरह सामान बेचने के लिए आवाज़ बनाना एक कला है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इन लोगों ने एक अनूठी कला को बना दिया है। महेश्वर दयाल जी ने अपनी पुस्तक दिल्ली जो एक शहर है उसमें फेरी वालों पर बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। किराने का लड्डुआ रसोली की बहार, लड्डू है पाल के पाल के लड्डू, बासी पराठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं ये चूसने वाले। दोस्तों ऐसे ही एक फेरी वाले थे जिनकी कहानी हमने अक्सर बचपन में सुनी है। आज मैं आपके सामने श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी काबुलीवाला प्रस्तुत कर रही हूँ, तो शुरू करते हैं इसे। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया था। उसके बाद से देर तक सो नहीं पाती। उस समय का एक पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुत बार डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जुबान बंद कर देती है, किंतु मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक सह नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहा, बाबूजी रामदयाल दरबान कल काक को कौवा कहता था, वह कुछ जानता ही नहीं ना बाबूजी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबूजी भोला कहता था आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है क्या? अच्छा बाबूजी भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बकबक किया करता है, दिन रात बकबक करता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह ना देख करके चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी, बाबूजी माँ तुम्हारी कौन लगती है? मैंने मन ही मन में अपने आप से कहा और फिर बोला, मिनी तू जा भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। तब उसने मेरी मेज के पार्श्व में अपने पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिला कर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटाके कहना आरंभ कर दिया, जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के प्रांगण अंधकार में बंदी गृह के ऊंचे झरोके से नीचे कलकल करती हुई सरिता में
कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर है। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबली वाला, ओ काबली वाला। मैले कुचेले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की छोली लटकाए, हाथ में अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली मंद चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए यह बताना असंभव है। उसने ज़ोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा अभी झोली कंधे पर डाले सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भयानक मुंह बनाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधकार बैठ गया कि उस मैली कुचेली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्ची निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा मेरा उपन्यास वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत गंभीर है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा ना होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैंने उससे इधर उधर की बातें करना आरंभ कर दिया। रहमत, जो फेरी वाले का नाम है, रूस अंग्रेज सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी आपकी बच्ची कहाँ है? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेह की दृष्टि डालती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुमानी निकालकर देनी चाहिए, पर उसने ना ली और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटने से लिपट गई। उसका पहला परिचय इसी प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था, देखा तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली जुली भाषा में व्यक्त करता जाता। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका फिराक का अग्रभाग बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली वाले से कहा, यह सब क्यों दे दिया, अब कभी मत देना, कहकर कुर्ते की जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डबट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने ये अठन्नी कहाँ से पाई, कहाँ से बता? मिनी ने कहा, काबुल वाले ने दी है। काबुल वाले ने तुझे अठन्नी क्यों दी, बता किस लिए दी? मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने नहीं मांगी, उसने अपने आप दे दी। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले गया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी भेंट थी। इस दौरान मैं वह रोज आता रहा
और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है, जिसे मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती हुई पूछती, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, तुम्हारी झोली में क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर मुस्कुराता और उत्तर देता, हाँ बिटिया, उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है और जाड़े के प्रभाव में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना। अच्छा, हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से प्रचलित रहती हैं, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी के होने के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके। अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाई। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। उल्टे ही वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक स्वर में अपना जबरदस्त घूसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुरअवस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पहले के युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कोलकाता छोड़कर कभी नहीं गया, शायद इसीलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता, यानी मैं अपने घर में ही चिर प्रवासी रहा। भारी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन सर्वदा आतुर रहता। किसी विदेश का नाम आते ही मेरा मन वहीं की उड़ान लगाने लगता। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत भीहड़ वन के बीच एक कुटीर का दृश्य देखने लगा और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की कल्पना में चला गया। सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों ओर उबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत और रेगिस्तानी मार्ग, उन पर लदे हुए ऊँटों की कतार, ऊंचे ऊंचे साफे बंधे हुए सौदागर और यात्री, कुछ ऊँट की सवारी पर तो कुछ पैदल ही जाते हुए, किन्हीं के हाथों में बर्छा तो कोई बाबा आदम के ज़माने की पुरानी बंदूकें थामे हुए, बादलों की भयानक गर्जना के स्वर में काबली लोग अपनी मिली जुली भाषा में अपने देश की बातें करते हुए। मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे ही लोग हमारे घर में दौड़े आ रहे हैं। उसके विचार में यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैती करने वाले शराबी रोगों से भरी हुई और अंग्रेज़ों से भरी पड़ी है। इतने ही दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन का यह रोग दूर नहीं हुआ। रहमत काबली की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चित नहीं थी। उस पर विशेष नज़र रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती, क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबली के लिए एक छोटे बच्चे का उठा ले जाना असंभव है? मुझे मानना पड़ता कि यह बात नितांत असंभव हो। सो बात नहीं पर भरोसे के काबिल नहीं। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन में
भय रह ही गया, लेकिन केवल इसीलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में ना आने देना मैं मना ना कर सका। हर वर्ष रहमत मास में लगभग अपने देश लौट जाता। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपए पैसे वसूल करने में तल्लीन रहता। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता, लेकिन फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखूँ तो वह संध्या के समय हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढीले जामा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता। लेकिन जब मिनी को देखता हूँ कि मिनी ओ काबुली वाला पुकारती हुई हँसती हँसती दौड़ी आती और दो भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता, तब मेरा हृदय खुशी से नाच उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। सर्दी विदा होने से पहले आज 2-3 दिन खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रही थी। जिधर देखो उधर इस जाड़े की चर्चा हो रही थी। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा। सिर से मफलर लपेटे सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट ही रहा था कि अचानक उसी समय राह में एक बड़ा जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बंधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढीले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा क्या बात है। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी ओर बाकी थे जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकाल कर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द बोल रहा था। इतने में काबली वाला ओ काबली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक रहस्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः उसके बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना ना चल सकी। मिनी ने आते के साथ ही उसने पूछा तुम ससुराल जाओगे। रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा हाँ वही तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी ना ला सकेगा और तब उसने हाथ दिखाकर कहा ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुल्म में रहमत को कई वर्षों का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग अब अपने घर में बैठकर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक आज़ाद पर्वतों पर घूमने वाला इंसान कारगार की प्रचीरों के अंदर कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जास्पद था। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्रों को भुलाकर पहले तो नई साइंस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुड़ने लगीं। और तो क्या, अब वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती और मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया। कितने ही वर्ष बीत गए, वर्षों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की
छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाशवासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमय मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। सवेरे दिवाकर बड़ी सज धज के साथ निकले। वर्षों बाद शरद ऋतु की यह नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही थी। कोलकाता की संकरी गलियों से परस्पर सटे हुए पुराने गंदे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पहले ही शहनाई बजी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रोकर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही हो। मेरी मिन्नी का आज विवाह है। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बरसों बाद बासों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फनूस लगाए जा रहे हैं और उसकी टक टक की आवाज़ मेरे कमरे में आ रही थी। मैंने अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास ना तो झोली थी, ना पहले जैसे लंबे लंबे बाल और ना चेहरे पर पहले जैसे दिव्य ज्योति ही। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से ही छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आँखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी हुई है। उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुलवाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज़ के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचेली झोली आज उसके पास ना थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट ना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैंने सोचा कि उसे बुलाऊं। इतने में देखा तो वह स्वयं ही आ रहा है। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पीसा रहने दीजिए। तनिक रुक कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है। मैं उसकी याद कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं यह सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला कुचेला मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज़ के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है, फोटो नहीं,
तेर चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज़ के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति चित्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कोलकाता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता और तब वह चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में अमृत उड़ेलता रहा। देखकर मेरी आंखें भर आईं और फिर मैं इस बात को भूल ही गया कि वह एक मामूली काबली वाला है। मैं एक उच्च वर्ष का रईस हूँ, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती। तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया, हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सक पका गया, उससे पहले जैसी बात ना करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते ना बना। रहमत की बात सुन के मारे लज्जा के उसके कोपर लाल सुर्ख हो उठे, उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस बात की याद आती है जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। सवेरे के समय शरद की सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कोलकाता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दे दिया और कहा, रहमत तुम अपने देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी खुशी पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के कार्यक्रम में से कुछ हिस्से हटा देने पड़े। जैसे मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। घर में औरतों की बड़ी बिगड़ने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योतना से हमारा शुभ आरंभ उज्जवल हो उठा। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की कहानियाँ अक्सर हमें अपने आसपास देखने को मिल ही जाती हैं। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अब तक भारत के एकमात्र साहित्यकार जिन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचना में भावों का समावेश है। इन्होंने नाटक, उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और 1961 की फिल्म का ये गीत ऐ मेरे प्यारे वतन, ये गीत सुनते रहिए। ये गीत काबली वाला फिल्म में से लिया गया है। और सुनना ना भूले रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। जय हिंद।
सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल।